नीले अक्ष काव्य संग्रह का लोकार्पण। नई दिल्ली 21 अक्टूबर 2017 को गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा और विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान द्वारा संचालित संगोष्ठी में युवा कवित्री नीलू नीलपरी के कविता संग्रह नीले अक्ष का लोकार्पण किया गया। यह पुस्तक लोकजंग प्रकाशन में छपी है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शब्द मसीहा और मेरे साथ हैं नीले अक्ष की रचयिता नीलू नीलपरी। जहां तक कविताओं का प्रश्न है, कविताएं शायद हर मन में उगती हैं, लेकिन हमें से बहुत कम लोग होते हैं जो अपने भावों को शब्दों का जामा पहना पाते हैं और कविताओं के अंदर ये पाठक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कविता की आत्मा को किस प्रकार से समझता है, क्योंकि कविता सिर्फ शब्दों के माध्यम से एक मन से दूसरे मन तक जाती है। और ये ज़रूरी भी नहीं कि हर कविता का बिंब या व्योम इतना बड़ा हो कि वो आदमी को वाह वाह करने पर मजबूर कर दे, क्योंकि बहुत सी ऐसी कुंठाएँ, बहुत से ऐसे हमारे दर्द होते हैं जिन्हें हम साझा नहीं कर पाते। तब हम सब शब्दों का सहारा लेते हैं और शब्दों के सहारे से हम अपनी रचनाओं को लाते हैं। ठीक एक जीवन का लेखा जोखा जो हमने भुगता है, जो हमने जिया है, जो हमने महसूस किया है अपने बारे में, परिवार के बारे में, रिश्तों के बारे में, समाज के बारे में, और इन सब के बारे में हम क्या सोचते हैं, वही हम शब्दांकन करते हैं। और मैं इस शब्दांकन को कभी कविताओं के रूप में करता हूँ तो कभी लघु कथाओं के रूप में भी। और बहन नीलू नीलपरी जी ने अपना वही शब्दांकन, अपनी उन्हीं भावनाओं को नीले अक्ष के रूप में संजोकर हम सबके सामने रखा है। आशा करते हैं आप सभी इस किताब को पढ़ेंगे, इनके विचारों को जानेंगे और इनको सराहेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरी बातें सुनकर आपको
कि कुछ ऐसा लगेगा, और आप किताब को पढ़ेंगे तो वास्तव में मेरी बात की पुष्टि आप सुन पाएंगे। तो आप उसको पढ़िएगा, आनंद उठाइएगा, बड़ी स्वीट सी कविताएं हैं, पर मैं यह देखता हूँ। धन्यवाद। आपकी दोस्त मैं नीलू नीलपरी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, और अपने चारों साथियों का, अपने बड़े भाइयों का, विशेष रूप से अतुल प्रभाकर भैया और केदारनाथ मसीहा भैया और सनिधि का खासतौर पे मैं आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपनी ठंडी छांव के तले में आज मेरे नीले हंस को पनाह दिया। अपना अलग ही एक अंदाज होता है। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आ जाते हैं जो कुछ कल गुजरने को हमें प्रेरित करते हैं। उसी तरह मेरे जीवन पथ में भी ऐसे अनेक पड़ाव आए हैं जिनके चलते मेरे हाथों में लेखनी आ गई आज से 5 बरस पहले। से जूझती रिश्तों में छड़ी गई, अपने पन को तरसती, सबके दुखों पर स्नेह की मरहम लगाती एक स्त्री जब अपने हाथ में कलम लेती। मैं पंछी की भांति उड़ना चाहती हूँ।